मद्रास हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। देखिए पूरा मामला क्या है। मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों के खिलाफ चुनाव आयोग ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट की अपमानजनक टिप्पणी को हटाने की मांग की है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने बढ़ते कोरोना के बीच चुनाव आयोग की लापरवाही पर टिप्पणी की थी और चुनाव आयोग को कोरोना की बढ़ती लहर के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की बात कही थी। मद्रास हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है और कहा है कि हाईकोर्ट और चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, इसलिए हाईकोर्ट की इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी से हमारी छवि खराब हुई है। याचिका पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। 26 अप्रैल को एक सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि देश में कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि चुनाव आयोग है। कोर्ट ने आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा था कि इस लापरवाह रवैये के लिए आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के दौरान कोविड-19 नियमों का अनुपालन कराने में चुनाव आयोग पूरी तरह से विफल रहा। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।